स्वराज अभियान और साधना न्यूज चैनल के माध्यम से आज इतने महत्वपूर्ण समसामयिक विषय पर जो चर्चा रखी गई है कि राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति। देखिए, पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि राजनीति का जो धर्म है उसको विकृत स्वरूप में पेश किया जा रहा है। विशेष रूप से हम भारतीय संदर्भ में इसकी बात करते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करते हैं, तो राजनीति का जो धर्म है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों की बात करना, संवैधानिक मूल्यों को जो है जनता तक पहुंचाना। इसके साथ साथ हमारे देश में लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में क्या हमारी राजनीति भूमिका निभा रही है, एक महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरा कि धर्मनिरपेक्षता, जिसको हम कहते हैं इंसानियत, मानवता, मानवीय मूल्यों, प्राकृतिक मूल्यों, इन सब चीजों की स्थापना में राजनीति क्या कर रही है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से जो है इन सब चीजों के उलट जो है हमारी राजनीति में देखने को मिल रहा है, और धर्म के नाम पर, धर्म की राजनीति के नाम पर इस तरह से एक राजनीति की जा रही है जो जनता के हित के लिए, जो हमारे संविधान में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आप प्रमुख रूप से देखिए कि जनता किस तरह से परेशान हो रही है, जनता की समस्याएं किस तरह से जो है समाधान नहीं हो रही है। आप देखिए, इन सब चीजों के आधार पर यदि हम राजनीति को केवल और केवल सत्ता प्राप्ति का यदि हथियार बना के चलेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगी। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, युवाओं की समस्याएं, प्रदूषण, तमाम तरह की समस्याएं इस समय देश में है। लेकिन इन समस्याओं को दरकिनार करके हमारी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किस तरह से जनता को जो है भ्रम में डालकर एक ऐसे दिशा में ले जा रही हैं जहां पर जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। तो इस तरह की राजनीति यदि देश में होगी तो आने वाले समय में समस्याएं और बढ़नी है, कम होने वाला नहीं है। समस्याएं बढ़ेंगी,